अरे गाइस, मुझे जल्दी जल्दी करनी होगी क्योंकि टोनी स्टार्क किसी भी वक्त आता होगा। असल में मैं टोनी स्टार्क के घर पर आज स्टूडेंट बने पड़ा हूँ क्योंकि मैं उसको आज अपना पहला आयरन मैन का सूट रेडी करके दिखाऊंगा। और देखते हैं गाइस, क्या पता हम सफल हो जाएं, फिर उसके बाद मैं फाइनली गॉड रिच आयरन मैन बन जाऊंगा। देखना पड़ेगा फ्रैंकलिन, मेरे हिसाब से तुम पिछले 3-4 महीने से सूट पर काम कर रहे हो। आज मैं तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूँ, पता कर ही लेते हैं कि तुमने ऐसा क्या बनाया है। ऑलरेडी तुमने मुझसे $1 मिलियन का फंड ले लिया है। हाँ भाई, तू चिंता मत कर, मैंने अपना बेस्ट दिया है सूट को बनाने में। ऐसी बात है, चल दड़ी का टेस्ट करते हैं। गाइस, टेस्ट करने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। मुझे आप सभी का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, तभी मेरा सूट सक्सेसफुली रंग कर पाएगा। हाँ तो चल इसे थोड़ा बहुत उड़वा कर दिखा। ठीक है, मेरे सूट उड़। ओके भाई फ्रैंकलिन, मैं उड़ता हूँ। क्या बात है, ये तो AI सूट है, बात भी कर रहा है। हाँ बहुत ही स्पेशल सूट है। अच्छा भाई वापस। ओके भाई आता हूँ। अरे बाप रे, ये देखो मैं उड़ रहा हूँ। क्या बात है, अरे भाई ज्यादा दूर मत जा, मेरे पास आ जा। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे ये क्या, ये ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्या अपने आप को? ऐसी बात नहीं है, आ रहा हूं मैं तेरे पास। देखा मेरा सूट मेरी कितनी बातें सुन रहा है, कैसे आ रहा है मेरे पास। हां ये तो, अरे बाप रे ये क्या हो गया इसको। अरे गाइस ये क्या, अरे ये क्या, मेरे $1 मिलियन की तो वाट ही लग गई। एक मिनट, टोनी स्टार्क का तो सारा पैसा बर्बाद हो गया। फ्रैंकलिन ये क्या किया तूने? अरे भाई पता नहीं मेरा सूट कैसे फट गया। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरा $1 मिलियन से ज्यादा पैसा बर्बाद कर दिया, साथ साथ में 3-4 महीने भी, और तूने इस खटारा सूट को बनाकर फाड़ ओढ़ दिया, तेरी तो ये ले। अरे गाइस ये मुझे मार रहा है बहुत बुरा। अरे मेरी गलती नहीं है, जरूर कुछ प्रॉब्लम ही। अरे नहीं, मुझे देखने थे अपने सूट को। नहीं देखने दूंगा, हट यहाँ से, खटारा सूट बनाता है, सारा समय बर्बाद कर दिया, ये ले। वेस्ट आदमी कहेगा, तू कभी भी गॉड रिच आयरन मैन नहीं बन पाएगा, नो भी रहेगा तू हमेशा, समझा? अरे गाइस बहुत बुरा मारा इसने, दिमाग खराब है, निकल यहाँ से। अरे अरे अरे, 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 अरे। आज के बाद वापस मत जाना ना, और हाँ उसने फर्नीचर से सूट को भी ले जा। अरे दोस्तों, इसने मुझे और मेरे सूट दोनों को ही बाहर निकाल दिया, कोई इज्जत ही नहीं है अपनी तो यार। गाइस मैंने बहुत मेहनत में बनाया था। अरे अरे नहीं सही, अरे भाई फ्रैंकलिन मुझे बाहर निकाल दिया टोनी स्टार्क ने। क्या करें भाई, तुझमें खराबी क्या आई थी? मुझे खुद नहीं पता, मैं तो ठीक से उड़ रहा था, एक साथ से जब मैं तेरे पास आ रहा था मैं फटने लगा। पता नहीं गाइस अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हमें जिंदा रहने के लिए काम धाम करना होगा। मेरी बात सुन मेरे भाई। हाँ बोल भाई। असल में तुझे मुझे अगर गॉड रिच आयरन मैन बनना है तो उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। बोल क्या करना होगा? मैं तुझे असल में एक कंस्ट्रक्शन के वर्क पे भेज रहा हूँ, वहाँ जाके प्लीज वेल्डिंग का काम कर, और साथ साथ में मैं कुछ बर्गर वर्गर की दुकान खोल लेता हूँ, दोनों साथ में काम करते हैं। ओके भाई मैं भी जाता हूँ। अरे गाइज हमें फ्रैंकलिन की बताई हुई जगह पर जाकर वेल्डिंग का काम करना होगा। तो गाइज मेरा सूट तो चला गया काम करने, मैं भी चलता हूँ, कितनी ही गरीबी आ गई, अच्छे खासे गॉड रिच बन जाते। आओ गाइज आ जाओ, बर्गर खा लो बर्गर, ये आयरन मैन फ्यूचर का रिच लेवल का आप सभी को बर्गर खिला, वो भी $5 में सिर्फ एक बर्गर। आ जाओ यार कोई तो, इतनी गर्मी हो रही है, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन बर्गर खाकर किसका पेट भरता है। आ जाओ आ जाओ गाइस आ जाओ। अरे भैया कैसा बर्गर जाए? अरे भाई यार ठीक बर्गर एकदम ताजा, तुम कहो तो नहीं बना दूं तुम्हारे सामने। अच्छी बात नहीं, टाइम नहीं है, ठीक है एक बर्गर पैक कर दो, बस ये खाएंगे हम। हाँ ठीक है भाई, जैसा आप कहें, एक बर्गर लीजिए, चाहे तो घर पे भी ले जाइए। ठीक है ना, घर पे भी लेकर जा रहे हैं, क्या आदमी जा रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी से सारा काम कर देता हूँ, फिर अपने भाई फ्रैंकलिन को पैसा जा कर दूंगा, उसको पैसे की बहुत जरूरत है। गाइज मेरी वजह से फ्रैंकलिन की बेइज्जती हो गई, अगर मैंने बेस्ट परफॉर्म किया होता तो आज वो गॉड रिच आयरन मैन बन जाता और आयरन मैन उसकी काफ़ी इज्जत करता। कोई नहीं जल्दी जल्दी जाता हूँ। बस बस मेरी बात सुनिए, मैंने सारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर दिया। क्या बात है भैया, इतनी जल्दी काम कर दिया, हमें यकीन नहीं हो रहा। अरे बॉस मैं सुपर आयरन मैन हूँ, इसलिए मैंने काम कर दिया। अब जल्दी से प्लीज़ मुझे $1000 दे दीजिए, मुझे अपने भाई फ्रैंकलिन को देना है। अरे भाई पैसे का जुगाड़ तो नहीं हो पाएगा, 1 महीने बाद आना मिल जाएगा। अरे तुम तो बहुत ही बुरे हो, अरे निकल यहाँ से। अरे गाइस जाना पड़ेगा, कितने बुरे लोग हैं, काम भी करवा लिया और एक भी पैसा नहीं दिया। फ्रैंकलिन मेरे भाई आ जाओ बर्गर खा लो बर्गर। अरे क्या हो गया, इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैंने अपना काम तो पूरा कर दिया, लेकिन जिस बंदे के पास तूने मुझे भेजा था उसने पेमेंट नहीं दी। अरे हाँ यार वो ऐसा ही बंदा है, कोई नहीं चल वो कुछ टाइम बाद पेमेंट दे देगा, फिलहाल तू मेरे साथ बर्गर बिछवा। ठीक है। अरे गाइस आ जाओ बर्गर खा लो बर्गर, आ जाओ गाइस बर्गर खा लो, पहली बार जिंदगी में आयरन मैन बर्गर बेच रहा है। हे देखा गाइस फाइनली हमारे पास काफी पैसे हो गए। यस हमने 3-4 महीने मेहनत की और मैंने और मेरे भाई फ्रैंकलिन ने बहुत पैसे कमा लिए। यस गाइस अब फाइनली मैं अपने सूट को सुपर सूट बनाऊंगा और साथ साथ हम बन जाएंगे गॉड रिच आयरन मैन। चल भाई कुछ इंग्रेडिएंट खरीद के तुझे ठीक कर दिया जाए। हाँ भाई मैं तैयार हूँ। तो गाइस मैंने कुछ कॉम्पोनेंट्स खरीदे हैं और कुछ नए पुर्जे, तो मेरे बेचारे हल्क बस्टर में यहाँ परेशानी आई थी। अरे भाई मैं भी तो हल्क बस्टर नहीं आयरन मैन हूँ। कोई नहीं मैं तो तुझे हल्क बस्टर ही मानता हूँ मेरे भाई। तो गाइस इसका आर्क रिएक्टर में परेशानी आई थी, इस वजह से फटा था, इसलिए मैं उस रिपेयर को ठीक कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से रिपेयर हो चुका है। यस मजा ही आ गया, चलो अब थोड़ा बहुत उड़ लिया जाए। अरे वाह गाइस मेरे पास एक आइडिया है, अगर और पैसा कमाना है तो इन लोगों को मारना पड़ेगा जो कि ये सब
गलत काम करते हैं तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, एक एक को पटक के मारूंगा। ये लो बेटा, क्या ही मारा इसको, बहुत बुरा मारा बकाओ, ये लो कोई भी नहीं बचोगे तुम, ये लो। देखा गाइस कैसे पिट रहे हैं। अरे भाई मजा ही आ रहा है फ्रैंकलिन। हाँ बिल्कुल मजा तो आ रहा है इन बुरे लोगों को पीटने में। चलो एक काम करते हैं, इतना पीट लिया वही बहुत है, अब इनका बचा खुचा पैसा ले लेते हैं और जाकर आराम से राम करेंगे। हाँ भाई फ्रैंकलिन इससे बढ़िया क्या होगा। हाँ भाई इससे बढ़िया क्या होगा। चलो गाइस जल्दी निकलते हैं यहाँ से, मजा ही आ जाएगा। हाँ तो मेरा ये माँ केडी फाइव सूट को मैं बनाने वाला हूँ, सुपर स्टिक सूट एकदम। वो फ्रैंकलिन ने तो पैसा वेस्ट करवा दिया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने माँ केडी फाइव को ही आज एकदम आराम हल्का सूट बना लूँ। मेरे हिसाब से मैं दो तीन घंटे में इसे अपग्रेड कर लूँगा। 1 2 अरे बाप रे ये क्या हो गया। अरे नहीं, अरे बहुत बुरी लग गई। नहीं ये क्या हो गया। अरे नहीं मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अरे बाप रे, इसका मतलब फ्रैंकलिन की गलती नहीं थी, लगता है मैंने जो उसको कंपोनेंट्स दिए थे उन्हीं में कुछ ऐसी परेशानी थी जिस वजह से उसका उस दिन सूट फट गया था। अरे गाइस ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे फ्रैंकलिन से मदद मांगनी होगी। फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी अपना मार्क 50 पहन कर निकलता हूँ यहाँ से। मुझे फ्रैंकलिन को ढूंढना होगा और उसको सारा सच बताना होगा। अरे बाप रे बहुत बड़ी परेशानी हो गई। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन। अरे बाप रे टोनी स्टार्क कहाँ से आ गया। देख मेरी बात प्लीज़, आज मत मारना मुझे, और सच में मैं अपनी गलती मानता हूँ, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, कोई सूट नहीं फाड़ूंगा, कोई पैसा नहीं लूँगा तेरा। अरे अरे आराम से फ्रैंकलिन मैं समझ गया, असल में गलती तेरी नहीं थी, गलती मेरे इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट में थी, उन्हीं में कुछ ऐसी खराबी थी, इतना लोकल माल था कि वो खुद ही खुद फट रहा है। ओह ऐसी बात है, फिलहाल मेरी बात सुन प्लीज, अपनी और खुद की मेरी मदद कर दे। कैसे, तुझे रेड हॉल के पास जाना होगा और उसके पास से कुछ नए ओरिजिनल कंपोनेंट्स लाने होंगे। अरे गाइस असल में आयरन मैन के कंपोनेंट जो ओरिजिनल वाले हैं जो उसकी स्टार्क इंडस्ट्री में बनते हैं वो सब रेड हॉल कहीं ना कहीं स्मगल कर रहा है, इसीलिए आयरन मैन के पास लोकल कंपोनेंट्स पहुंच रहा है। तू यहां कैसे आ गया और तुझे ये सब बात कितने बताया। इसका मतलब गाइस ये बात सच है, रेड हल्क सच में हमारे आयरन मैन की इंडस्ट्री के सारे अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स चुरा रहा है और लोकल कंपोनेंट भेज रहा है, इस वजह से आयरन मैन सक्सेसफुल आयरन मैन नहीं बन पा रहा और मैं भी गॉड रिच आयरन मैन नहीं बन पाया। सही बात है ना, फायदा कर दिया मैंने सबका, अब इस दुनिया में कोई भी गॉड रिच आयरन मैन नहीं रहेगा, सिर्फ गॉड रिच हल्क रहेगा। बहुत हो गया मोटे तेरी तो, ये ले तुझे छोड़ूंगा नहीं, चल कंपोनेंट्स दे और बता कहां पर स्मगल कर रहा है तू माल को। अरे नहीं बताऊंगा, और अपने बड़े भैया को और बुला लूंगा, तेरा बड़े भैया को भी देख लूंगा, वो बहुत खतरनाक है, गॉड रखा है वो, गॉड रेड हल्क हो या गॉड ट्रक हल्क हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। गाइस मैंने इसकी बैंड बजा दी, ये काम करते हैं, इसकी कंपनी ढूंढते हैं और सबको तबाह करके ओरिजिनल कंपोनेंट्स का यूज करके सूट को बनाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसकी कंपनी भी ट्रैक कर ली है, मैंने आयरन मैन के कुछ वॉट्स वहाँ पे भेज दिए हैं, अब मुझे जैसे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे हम अपने सूट को और बेटर अपग्रेड करेंगे। सबसे पहले टोनी स्टार्क के पास चलते हैं और जाकर उसको एक गुड न्यूज़ सुनाते हैं। अरे मजा ही आ गया, क्या बात है टोनी स्टार्क, एक मिनट वो रहा, वो तो अभी भी शहर में ही है, चलो मैं पहुंच जाता हूं। अरे आराम से आओ आओ फ्रैंकलिन, मैंने अभी अभी सुना तुमने मेरे कुछ रोबोट्स लोगों को भेजा है, उसकी कंपनी फाउंड कर ली और साथ साथ में तुमने सारे ओरिजिनल कंपोनेंट्स भी निकाली है। हाँ मैंने सारे कंपोनेंट और साथ साथ में इंग्रेडिएंट्स ले लिए ओरिजिनल। अच्छा चल ठीक है, शुक्रिया भाई, मैं फिलहाल स्टार्क मेंशन जा रहा हूँ अपना सूट अपग्रेड करने, चाहे तो तू भी गॉड रिच हल्क बन सकता है। नहीं मुझे गॉड रिच आयरन बनना है। हाँ ठीक है भाई तेरी मर्जी। अरे गाइस फाइनली मैंने टोनी स्टार्क की मदद कर दी, टोनी स्टार्क खुश भी हो गया और अब वो भी चाहता है कि मैं गॉड रिच आयरन बनूं, इसलिए किस बात की देरी कर रहे हैं, चलो अपने सूट को अपग्रेड करते हैं। तो गाइस मेरे पास ओरिजिनल कंपोनेंट्स आ चुके हैं, अब तो जरूर मैं गॉड रिच आयरन बन जाऊंगा। अरे भाई ये तो बहुत ही खुश वाली बात है। हाँ भाई बिल्कुल बहुत ही खुशी वाली बात है, हम दोनों ही प्रो बन जाएंगे। उसके बाद गाइस एक और बड़ा खतरा है, वो है गॉड रेड हल्क, हमें उसको और हराना पड़ेगा, वो जरूर हमारे पीछे ही आएगा। तो देखिए गाइस फाइनली मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है गॉड रिच आयरन मैन के लेवल 1 में, मजा ही आ गया। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया टोनी। अरे बाप रे गाइस ये गॉड रेड हल्क कहां से आ गया। सही कहा, मैं जहां से भी आया हूं फर्क उससे नहीं पड़ता, पहले ये बता मेरे भाई को किसने मारा। असल में वो मैंने ही मारा था। टोनी स्टार्क तू बचेगा नहीं। अरे मैं टोनी स्टार्क नहीं हूं, मैं फ्रैंकलिन हूं, आज का नया गॉड रिच आयरन मैन। गॉड रिच है तू, तो तेरा सारा पैसा मैं छीन लूंगा और तुझे यहीं जमीन में गाड़ जाऊंगा। तो गाइस अब मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा, देखते हैं कौन किसको कितनी देर तक संभाल सकता है बच्चे। अरे बाप रे तू तो पावरफुल लगता है लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तुम सब यही बकवास करते हो और अभी जमीन में लेटा नजर आएगा तू, ये तेरी तो तेरे भाई को भी ऐसी बुरी मौत दी थी मैंने, तुझे भी यही मौत दूंगा। फ्रैंकलिन गलती कर रहा है लड़का। अरे गलती तो तूने की मेरे पास आकर। देखा गाइस फाइनली मैंने गॉड रेड हल्क को भी बेहोश कर दिया है, हालांकि मरा नहीं है, लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है मुझे अल्ट्रा लेवल पे गॉड रिच बनने का, साथ साथ में मैं गॉड रेड हल्क के सारे पैसे ले लूंगा, उसके बाद हम बहुत ही रिच हो जाएंगे। अरे भाई फ्रैंकलिन अब मुझे तू क्या बना रहा है। चिंता मत कर मेरे भाई सूट, अब मैं तुझे और भी ज्यादा कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, तू ना बहुत खुश हो जाएगा, देखता रहे बस। ऐसी बात है, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ पहले से ही, और भी खुश हो जाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो
गाइस 1, 2 और 3 ये देखिए गाइस, फाइनली मैंने अपने सूट को कितने अच्छा फिनिशिंग वाला लुक दिया है, साथ साथ में इतना सारा सोना हो गया, आज तो मजा ही आ गया, मेरी जिंदगी फुलफिल हो गई। अगर आपको इसी तरह के और भी मजेदार वीडियोस दिखने हैं तो स्क्रीन पर जो आपको वीडियोस दिख रहे हैं उसमें से कोई सा भी देख लो, मजा ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच।